सा ये इश्क है, अजब सा इश्क। आपके फैसले तो फाइनल हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। ये मजाल क्यों, मजाल क्यों? खिलाफ चला जा, चला जा, चाहे हो चाहे हो, पीछे दम घुट जाओ उसका। एक बार भगवान भी अपना फैसला बदल दे, आप अपना, आप अपना, आप अपना, कोई भी आपके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता। जो भी फैसले हैं वो आपके यहाँ होटल है, होटल है, होटल है, होटल है। बाप ने सुनाने में कमी कर दी थी के जो तू उसने पूरा करना क्या। ताऊ, ताऊ बापू की बाढ़ का बुरा ना मानो, तुम्हारे प्यार के चक्कर में उल्टा सीधा कह गए। हाँ, तेरे प्यार में उल्टा सीधा बोल गए। सही कहा तेने, ते हम तो तेरे ते प्यार ही नहीं करते, बस तेरा बाप के दिल में बादल बरस रहे हैं प्यार के। तेरा राजवीर तेरे प्यार करे हैं तेरे ते बेटा, इसीलिए तो रोकना चाहे तने। मैं जानू बाबू ने जो कुछ भी कहा वो गुस्से में कह दिया। आप भी जानते हो बापू के मन में तेरे लिए बहुत इज्जत है, और वो आपके खिलाफ कदे ना जावेंगे। और रही बात मारी, मारे तो तारी हर एक बात कहीं भी हुक्म से कम ना है। ऐसे ऐसे एक क्या थारे खातर मैं ऐसे 10 ऑफरों को लात मार सकता हूं। अब हुक्म तो करके देखो। उठ, शाबाश बेटा, शाबाश। तेरे आज तैने एक बार फिर साबित कर दिया कि तू है सांगवान परिवार का सच्चा सपूत। और तेरा बाप कहवे कि ज्ञान के खातर विदेश जाना पड़े, वह कोई समझाए उसने कि यो ज्ञान यो संस्कार तैने विदेश में नहीं बल्कि अपने देश अपने गांव अपने घर की मिट्टी में रह के सीखे। शाबाश, जीता रहे। अरे ओ खन्ना, अरे क्यों चिंता कर रहे है भाई, तेरी बेटी एकदम ठीक है, खूब मजे करे उसने ब्याह में। ओ यार बाप हूँ, चिंता तो होगी ना। ठीक है मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ ले, तेरी बेटी की भी आंख खुल गई, वो सीधा बात कर बेटी। पापा पापा, I'm so sorry। कल मैं इतना थक गई थी, आपको फोन करना ही भूल गई। वो कोई बात नहीं, चंदर मुझे बता रहा था तूने खूब मजे किए वहाँ पे। हाँ। अच्छा एक बात बता, कोई अच्छा लड़का ढूंढा कि नहीं? हाँ, या खाली हाथ वापस आएगी? डैड आप इतने लकी भी नहीं है। ओहो। और वैसे भी जिस दिन मुझे कोई मिल जाएगा ना, उस दिन आपके फोन का इंतजार नहीं करूंगी, मैं खुद फोन कर दूंगी। अच्छा अच्छा, और सुन, अच्छा लड़का ना सही, लेकिन चांदनी चौक से मेरे लिए डूडा बर्फी जरूर ले आना। I know, क्योंकि उसके बिना तो आप मुझे सिंगापुर में एंटर भी नहीं होने देंगे, है ना? ओ यार अब जल्दी आ जा, इंतजार नहीं होता।
किसका, मेरा या दूधा बर्फी का? दोनों का. ओके डैड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय. चौधरी जी, ये देसी घी मारे तरफ से, राजवीर के सामान के साथ रख देना. चौधरी जी, ये अचार घर का बनाया हुआ है, खाड़ के वास्ते. घरवाली ने खास बनाया है मारे राजवीर के वास्ते. और जी, और टोपी राजवीर के वास्ते मारी बबीता ने पिछली सर्दियों में बनाई थी. और चौधरी साहब, जो हमारा छोटा सा उपहार राजवीर के वास्ते. बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया भाई. भाई रुको रुको, तुम लोग यही रुको, मजरा भीतर से आया. सब बढ़िया बढ़िया. आगे बोल. अरे भाई साहब, बाहर सारा गांव इकट्ठा हो रखा है, तो बेसन के लड्डू, खांड के लड्डू, देसी घी, स्वेटर, दस्ताने, हाजमे का चूर्ण. भाई साहब, एक आदमी के हाथ में तो गुल्ली डंडा भी देखा है कि अपना राजवीर खाली टेम में विदेश में बोर ना हो जावे. मैं गुल्ली डंडा खेल ले कत्ती खाली टेम में वहां पे. भाई साहब, सारे बड़े खुश लाग रहे से. जब उनको यह पता लगेगा कि अपना राजवीर जा को नहीं रहा, तो वैसा मैंने सिर्फ यह बताओ कि तोहफे राख लूं या उनको सब कुछ बता दूं. अरे भाई साहब, आप तो जानो सोचने का काम मारा ना है, मारा काम ठोकन का है, सोचने का ना. तो सोचने में तो बलदेव सिंह एक नंबर का निठल्ला सा है. बलू चाचा, सोचने की क्या जरूरत है? मैं खुद ही गांव वालों को जाके बता देता हूँ कि मैं विदेश नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी चले जाता हूँ. अच्छा राजवीर जी, था तो जा और गांव वालों से तोहफे ले ले. जी भाई साहब. और सुन, सब ने खाने का न्योता याद दिला के धन्यवाद बोल दियो हमारी तरफ. तो बढ़िया सर, न्योता दे दे. अरे भाई साहब, यहाँ के बोल रहे हो, मतलब आपने अपना फैसला बदल दिया सर? अरे फैसले अदालतों में बदले जावे हैं, हवेलियों में ना. अरे मैं बात मान नहीं रहा, बात ने टाल रहा हूं. बाद में सही वक्त आने पे गांव वालों के सामने कोई अच्छा सा बहाना बनाकर राजवीर का जाना रद्द कर देवेंगे. हाँ बढ़िया सा है भाई, सोचने का काम आपका ही है भाई साहब. भाई हमारे श्याम सुंदर भाई साहब का दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज है. बापू, आप बेकार में परेशान हो रहे हो. बापू सच बात तो यो है कि मेरी कोई विदेश विदेश जाने की इच्छा ही ना. और क्या रखा है विदेश में? इस बार नहीं तो अगली बार चले जाऊंगा. और वैसे बापू, ऐसे मौके तो आते जाते रहते हैं ना. किस तरह झूठ बोल रहा है तू? अपने बाप तय या अपने आप तय? बोलना भी नहीं आवा था तने. जब तक तेरी जबान समझो, रग रग वाकिफ हो तेरी. क्यों अपने सपनों को मारना चाहता है? क्यों नहीं बोल देता जो तेरा चाहिए? आपने भी तो ऐसा ही किया बापू. आज की बात छोड़ी, क्या आपने आज तक अपनी आवाज ऊंची की? नहीं कर सकता. जब तेरी उम्र में था, नहीं किया. इसी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं की. इसीलिए मैं चाहता हूं कि तू भी होशियार सिंह सांगवान ना बन जा. तेरा अपना वजूद हो, अपनी पहचान हो.
जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करूं। पर कुछ भी सर, हमारे होशियार की बात में दम से। भाई अपना राजवीर पढ़िया लिखिया से, समझदार से, हैं अकेला रहना जाने से, और फिर इतनी बड़ी कंपनी में जहां हजारों लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने हमारे राजवीर को विदेश जाने के लिए क्यों चुना है? तू तो थाली का बैंगड़ से, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। होशियार की बात तो बिल्कुल भी ठीक ना लगे। मारा बेटा शाम सुंदर बिल्कुल ठीक बोले से, कोई जरूरत ना पोते को विदेश भेजने की। तू तो अकल की पैदल से, और थारे शाम सुंदर का बस चले ना तो गांव के सारे छोरिया ने इकट्ठा करके पेड़ पे उल्टा लटका दे, खुद जमीन पे लौट के उनका तमाशा देखे। अगर उसके दिल का ऑपरेशन किया जाए ना तो उसके दिल की जगह इतना बड़ा पत्थर निकलेगा। अरे कोई के सोचे है, के करना चाहे है, उसे कोई परवाह ही ना है। ये ऑपरेशन की बात मन्ने ते कह दी, पर उसे ना कहियो, उसका ऑपरेशन तो बाद में होवेगा, पहले तेरी चीर फाड़ कर देगा वो। अरे मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा बाप ना से। तो फिर जा बोल दे उसने। तुम्हें तो यो बता, तुम्हें तो बात करना ही सा है, झगड़ा करना ही सा, टांग तोड़ने आई। अरे तो तोड़ दे। हे भगवान, ये बुड्ढा बाज ना आवेगा। मेरी तो एक ही प्रार्थना है, ये बुड्ढे के मरने से पहले मन्ने उठा ले तू। ओ भगवान जी, ओ नीली छतरी वाले, इसकी प्रार्थना सुन लिए भाई। Look at him. Thank God, Dimpy, कि इस मास्टरपीस से मेरा पीछा छूटा। And I'm so happy कि मैं ऐसे सिर्फ वीडियो में ही देख रही हूँ। अब डिम्पी सुन, डैड का फोन आ रहा है, देखो फोन करती हूँ। ओके बाय। हाँ डैड। ओ यार, मैंने तुझे सिर्फ ये याद दिलाने के लिए फोन किया है कि मेरी डूडा बर्फी जरूर ले आना, तू भूली तो नहीं ना? डैड कैसे भूल सकती हूँ, और अगर मैं भूलना भी चाहूँ ना तो आप मुझे भूलने नहीं दोगे। ओके बाय डूडा बर्फी। मैं जानू हूँ राजवीर, अगर इब भी तने ना भेजा ना तो लोग तेरे ताऊ ने बड़ा बुरा आदमी समझेंगे, पर सच कहू ना बेटा तो मुझे किसी की फिक्र ना है, चिंता है तो बस अपने परिवार की। जो फोटो देख रहे हैं यही सबसे बड़ा कारण है तुझे घर से दूर ना भेजने का। बड़ा प्यार करता था मैं अपने भरत ने, उसकी हर जिद के सामने झुक जाया करता था उसका यो बाप। जमीन जायदाद खेती बाड़ी सब कुछ होते हुए भी बस बड़े शहर जाने की जिद कर ली उसने, हमेशा की तरह मैं उसका बाप झुक गया उसकी जिद के सामने। प्यार करया, इज्जत करी उसके फैसले की, और वो रसूस रहने ना तो कदर की मारे प्यार की, और ना ही अपनी जिम्मेदारी निभाई। ले आया शहर की किसी पढ़ी लिखी चोरी ने मारे घर की बहू बना के, जो जानते हुए भी कि पढ़ी लिखी चोरी के खातर इस घर में कोई जगह ना है। फिर तो वही हुआ जिसका मने डर था। उस चोरी ने घर में आते घर को तोड़ना शुरू कर दिया, मारे अपने खून को इसको मारे खिलाफ खड़ा करके मारा दुश्मन बना दिया। और फिर दोनों घर छोड़कर चले गए। बस राजवीर, उसी दिन थे मैंने इस फोटो के आगे यो जो हार चढ़ा दिया, क्रिया कर्म कर दिया बाप बेटे के रिश्ते का। ताऊ जी, मैंने ये सारी बातें
बाबू के मुंह से सुनिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका यह राजवीर कहीं नहीं जाएगा। जाना तो अब तने पड़ेगा बेटा, बगावत ना सही पर चाह देखिए मैंने तेरी आंखों में जाने की, अर मैं तेरा दुश्मन ना हूं रे। देख राजवीर, तेरा बाप मारे बारे में जो भी सोचे, पर मैं तेरी खुशी और तरक्की के रास्ते में रोड़ा नहीं बनना चाहता, बस एक वादा करते मेरे थे बेटा, आपके मुंह से निकली हर बात मेरे लिए हुक्म से था जी, आप बस एक बार कह के तो देखिए, फिर आपका राजवीर वो ही करेगा जो आप चाहते हैं। अरे बेटा, मैं तो बस इतना ही चाहूं हूं कि तू भी बाहर की किसी पढ़ी लिखी छोरी ने घर की बहू बना के मत ले हो। ये मेरा थारे से वादा है ताऊ जी, मैं उसी छोरी से रिश्ता जोड़ूंगा जो आप सब मेरे लिए ढूंढ के लाओगे, और ये आपके राजवीर का अब सबसे वादा है। बस बस बेटा राजवीर, बस तने तो बोझ हल्का कर दिया हमारे मन का, जब तो मैं खुद तने हवाई अड्डे तक छोड़ के आऊंगा। रचाल भाई, अरे आ जा रहे बाहर सारे, क्यों गया भाई साहब? सुन लो सबके सब, चौधरी श्याम सुंदर सांगवान का फैसला यो है कि अपना राजवीर विदेश जाएगा। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, अरे तैयारियां शुरू करो। थैंक यू। फाइनली मैं वापस जा रही हूं। इट वॉज अ ग्रेट ट्रिप, मजा आ गया, एक्सेप्ट फॉर दैट इडियोटिक राजवीर। ऑटो जी विंडो वाली सीट मारी। आप यहां भी आ गए, वो ऐसी तैसी कर दी। ओह गॉड, ये नहीं हो सकता। आई एम श्योर ये मेरी आंखों का धोखा है बस। ओ हेलो मैडम जी, घूर के रहे हो? मैंने पूरे पैसे देके विंडो वाली सीट ली है मैंने। और चलो चलो हटो, अपने पैर हटाओ, वो अच्छे से पैर हटाओ। मान लो हाँ, अच्छे से, मैंने लगना नहीं चाहिए।
तुम भी सिंगापुर जा रहे हो? ना जी, मैं तो अपनी मौसी के घर जा रहा हूँ, अंबाला। और सोचा बाय रोड थोड़ा दूर पड़ता है ना, तो इसलिए हवाई जहाज से चले जाता हूँ। और 2 मिनट छत के ऊपर रुकाऊंगा और अब छत पे कूद जाऊंगा। सिंगापुर जा रहे हो? Oh God, why me? I thought कि सोनिया दीदी की शादी के बाद ये लिविंग नाइट में मेरी लाइफ से गायब हो जाएगा। मैंने कभी गलती से भी नहीं सोचा था कि ये मेरी लाइफ में ऐसे वापस आएगा। अब पूरी प्लेन राइड के लिए मुझे इसे टॉलरेट करना पड़ेगा। गॉड। जय श्री गुरु जरो सरो रजनी मन मुर्गे जय हनुमान यान के सागर जय कबीर से लो जागल राम दूत अतुल राम आगे बुद्ध प्रण से राम। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर काइंड अटेंशन प्लीज, अ फ्लाइट इज रेडी टू टेक ऑफ, वी रिक्वेस्ट यू टू फास्टन योर सीट बेल्ट्स, थैंक यू। सुनो, सीट बेल्ट बांध लो, प्लेन टेक ऑफ होने वाला है। हां, व्हाटएवर। तुम्हें खटखट क्या कर रहे हो? देख नहीं रहा, सीट बेल्ट बांध रहा हूं ना। एक्सक्यूज मी, कैन यू जस्ट हेल्प मी विद द सीट बेल्ट? यस मैम। और ना ना मैडम जी, मन ने लेडीज लोगों का टच पसंद आया जी। हाँ, और जे अगर मैंने कमर की पट्टी ना बांधी मैं कोई मर ना जाऊंगा, और मर भी गया तो ठीक है, लेकिन किसी लेडीज का एहसान लेके मन नहीं जीना। सर ये सेफ्टी प्रिकॉशंस है। और जी आपको पता है, हमने आज तक किसी डॉक्टर की प्रिकॉशन फॉलो ना की, तो ये कौन सी बीरबल की पहेली है जो मैं ना सुलझा पाऊं? You know what? I think he can just help himself. It's okay. Okay. यो देखो मैडम जी, मैंने अपने कमर की पट्टी टाइट कस ली है। हाँ मगा किसी छोरी का ऐसा लेना पड़ता मैंने।